सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्कार, मैं अजय तिवारी, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं हिंदी के साहित्य खंड की, है ना। भाषा खंड में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, व्याकरण खंड चल रहा है हमारे साथ में, लेकिन जो साहित्य खंड है जिसमें किसी किस गुरु की कौन सी रचना है ना, किस कवि की रचना कौन सी है ना, जो महत्वपूर्ण कवि है उनकी गुरु का नाम क्या है, ये सब आता रहता है। कभी आ जाता है कि प्रथम कहानी कौन सी, प्रथम एकांकी कौन सी, प्रथम उपन्यास कौन सा है हिंदी का, है ना। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण हिंदी के प्रथम है उनके बारे में आज जानते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी के प्रथम, है ना, इसके बारे में सीधा। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन से है, सरहपा। तो कवि कौन से है, सरहपा। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार, ठीक है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन से है, पृथ्वीराज रासो, है ना। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन से हैं, विद्यापति, ठीक है। हिंदी के, अब यहाँ पे देखते हैं, खड़ी बोली का महाकाव्य अगर आता है तो प्रिय प्रभास है। खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रभास। लेकिन हिंदी का जो महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो, याद रखना। हिंदी का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रभास, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु, उपन्यास से परीक्षा याद रखना, ठीक है। अब याद रखना परीक्षा में उपन्यास आया है, ठीक है। और एकांकी एक घूंट, तो आपके कैसे याद हो जाएगा, जो एकांकी में एक है और एक घूंट में एक है। उपन्यास कहाँ आया था, परीक्षा में। प्रथम कवि कौन थे आपके, सर थे आपके, जो भी सर है आपके वो प्रथम कवि है। तो प्रथम कवि से क्या हो जाएगा, सरहपा, ठीक है। इसके बाद देखो प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा हिंदी का, वो है अष्टाध्यायी, है ना। तो याद रखना कि आपकी व्याकरण में कितने अध्याय है, आठ अध्याय है। तो याद आ जाएगा प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, और जिसकी रचना कौन है, पाणिनि। रचनाकार कौन से है, पाणिनि। प्रथम कवित्री कौन सी है, हिंदी की प्रथम कवित्री है मीराबाई, इसको याद रखना। और अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट। यदि पूछा जाता कि भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट, लेकिन हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार वो है बनारस अखबार। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाता है, जैसे कि मैं बोलूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, किस साहित्यकार को मिला, तो सुमित्र नंदन पंत को मिला। सुमित्र नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो किसके लिए मिला, चिदंबरा के लिए। अगर पूछा जाए कि महिला साहित्यकार में से किसको मिला, तो महादेवी वर्मा को मिला प्रथम, है ना, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किसके लिए मिला, यामा के लिए। बहुत सारी है इनकी रचनाएं, निहार रसमन, नीरजा, यामा, दीपशिखा, है ना। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो कौन सी, यामा। और जिसके लिए सुमित्र नंदन पंत को मिला वो है चिदंबरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग बहुत सारी वीडियो लाते रहते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, है ना। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से बेनिफिट होगा और इसका कोई भी चार्ज नहीं है।